या भिखारी, बस एक बेर चंदा ते मिलन दे, बस एक बेर मैं तेरी सौगंध खाऊं चाची, बस एक बेर। ठीक है, जब तू सौगंध खा रही हो तो मैं जाए के चंदा ते पूछूं। चंदा, बनवारी आयो है तो उसू मिलनो चाहे, मिलेगी बातें? एक बात याद रखियो, अगर तेने बनवारी ते ज्यादा बात करवे की कोशिश करी तो सवेरे तू बाकी लाश देखेगी, समझी? जा। चंदा, बन्ना, चंदो देख भाग हमारे संग का खेल कर रहे हो। चंदा, बनवारी तू याद चलो जा, बनवारी भगवान के तो याद चलो जा बनवारी। चंदा, लांगुरिया
पतो चलो है कि बनवारी आपको बेटा ना तो चलो जा बनवारी कि बनवारी आपको बेटा ना भगवान के भाई आपको चलो जा बनवारी बनवारी आपको बेटा ना छोड़ दो मोहन सेठ जी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, मैं चंदा के बिना ना ही जी सकूं, ना ही जी सकूं। बात का मुंह बता, बता मोहन। मेरी सब उम्मीदन पे पानी फिर गयो, मेरो जीवन निरर्थक है गयो, चंदा के संग मेरी सगाई टूट गई। सगाई टूट गई? पर कैसे बेटा? क्या बताऊं? मैं पंडित बैजनाथ को बेटा ना हूं, और ना मुझे मालूम है कि मेरे माता पिता कौन है। मेरा कोई ना बनवारी, ये बात सच है बेटा कि तू पंडित बैजनाथ को बेटा ना है। हाँ? पर बेटा उन्हें तो बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ो कियो है। पर आपको ये सब कैसे मालूम है? चौके वह घर से मेरे अटूट संबंध रहो है, और वो संबंध बेटा पलक झपकते ही टूट गया। क्या कह रहे हो आप? सच कह रहा हूं, मैं तेरो अभागो फूफा हूं। का? बेटा किस्मत ने मेरे संग बहुत बड़ो खिलवाड़ कियो है। आपके संग तो किस्मत ने खिलवाड़ कियो ही है, पर आपको दूसरे की जिंदगी ते खेलवे को का अधिकार है? चौकियो आपने मेरी बुआ से ब्याह। बनवारी सेठ द्वारका प्रसाद, तुम तो रास और नौटंकी रचाई के ऐस करते रहो, और वो हमारी बुआ तुम्हारी याद में पतिव्रत धर्म को पालन करती भाई विधवा को सो जीवन बितावे। अरे तुमने कबू जो सोची है वो कहां है, कहां हाल में है? अंदर बेटा ये सब बात यहां करवे कि ना है, तू आ मेरे संग चला। खा बेटा। एक बेटा बनवारी, तेरा दोषारोपण मुंह पे बिल्कुल मिथ्या है। जा घटना में बेटा मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी जहां पे मुझे शर्म आवे। और बेटा तत्व की बात तो ये है कि कोई गरीब आदमी बड़े घर की बेटी से ब्याह ना करे, और मैं अपने जीवन में यही सबसे बड़ी गलती कर बैठा हूं, चाको फल मैं आज तक भोग रही हूं। आखिर ऐसी क्या बात है गई फूफा जी? बेटा जब मेरो ब्याह तेरी भुआ कांता के संग भयो, तो मैं कुल 100 रुपल्ली कमाए बेवारो एक नहर बाबू हो, और तेरी भुआ बहुत बड़े घर की बेटी, बाकी हर मांग को पूरो करबे के ताई मुझे सरकारी धन को गबन करना पड़ो। वा केस में मुझे 7 साल की कड़ी सजा है गई। 7 साल तोती जो मेरो खास आदमी हो, मैंने भाई पंडित बैजनाथ जी के पास भेजो कि मेरी मदद करें, मेरी जमानत करवाए दें, और उनने बेटा साफ जवाब दे दियो, टका से जवाब दे दियो कि हम हवेली वाले हैं, ऐसे चोर उचक्कन को बिल्कुल साथ नहीं दे सके। बेटा मेरा स्वाभिमान जाग गया, और मैंने निश्चय कर लियो कि मैं वो हवेली वालन को मोह नहीं देखूंगो। बेटा कौवे 7 दिन के ताई बंद कर देऊ ना तो वो तिल मिला जाएगा, और मैंने तो 7 साल की सजा काटी है। ये सब झूठ है फूफा जी। बुआ जी तो कह रही कि आपकी गिरफ्तारी को समाचार सुनते ही पिताजी जमानत के ताई मथुरा आए रहे, पर तोती ने जे कह के लौटा दियो कि आप ऐसी औरत को मौका कतई ना देखोगे जाके जीवन को दे पैसा है, और जाके कारण आपको जेल को मौ देखना पड़ो। और तोती ने जेऊ कही कि अगर हवेली बारन में ते कोई आपकी पैरवी करवे आयो तो आप अपनी जान होम कर दोगे। हे भगवान, जे मैं का सुन रहा हूं, एक गलत आदमी की बात पे विश्वास करके मैंने अपने सोने जैसे घर को घूराव बना दियो। अच्छा फूफा जी। हाँ? मैं चलूं? बेटा अब मुझे छोड़ के तू कहां जाएगा? जमुना किनारे बनी भाई जी हवेली, और मेरा जो कछु है सब तेरो ही है बेटा, सब तेरो।
और अब मैंने वाह तोती के बच्चा को मजा न चखाए दियो तो जमुना की सौ बेरो नाम द्वार का प्रसाद ना आए। या ब्या ब्या नाग में दम कर दो तेने तो तेरो ब्या तब होएगा जब मैं चाहूंगा। खबरदार जो मेरे काम में टांग अड़ाई तो टांग ना अड़ाऊ तो क्या करूं। तुम तो रोज नए नए छोरी ने फंसाओ और झूठो ब्याह करके बेच दियो। डल्ला तोती के सामने जबान चलावे। ठीक है गुरु, इतने बरसन की सेवा को तुमने मुंह को जी फल दियो, कोई बात ना। अरे सेठ जी आओ आओ। क्या बात है तोती गुरु, आज तो बड़े आग बबूला है रहे हो। हमारी आग के बारे में हूँ कछु सोचो है के ना आए। चोना है चोना है, नेक बैठो तो सही। अच्छी बात है, आखो इंतजाम बहुत जल्दी है जाएगो। अच्छा सो इंतजार कर लियो। बहुत इंतजार कर लियो तोती, अब और ना कर सकूं। या तो मेरे पैसन को लौटा दे या छोरी मेरे हवाले कर दे। मेरे संग में धोखे धड़ी करी तो मोते बुरा कोई ना होगा तोती। भरोसा रखो सेठ जी, छोरी आपके पास बस पहुंची, समझो ये आखिरी मौका है तोती। जय राम जी की। गिरधारी हुकम गुरु। देख क्या बखत लाइन एकदम साफ है, और फिर बहुत ज्यादा पकावे तो माल सड़ जाओ करे। तेरे हाथ की सफाई दिखावे को बखत आएगा, चंदा को उड़ाए बिना अब काम नहीं बनेगो। फिकर मत करो गुरु, काम है जाएगो।
बुद कोई मिलके मिलो ना मोहे साजना। अरी बहना अखियां है प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन बाजी, अब तक ना आयो मेरो साजना। वो देखो श्याम घटा घिरी आई, मोह पे बिजुरी काहे गिराई, हिचकी रह रह के आई, अब तक ना आयो मेरो साजना। अरे बहना अखियां है प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन वासी, अब तक ना आयो मेरो साजना। अरे बहना अखियां है प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन वासी, अब तक ना आयो मेरो साजना। एक छोटो सो सुखी परिवार है, तो माता पिता और बहन, पर भाग्य ने मुझे उन सब ते अलग कर दियो। जो ऐसी का बात है? मेरे पिताजी मुखोटा बनाओ करते, और बुढ़ापे की वजह से काम बंद है गयो, और हमारो एक मो बोलो मामा हो। मो बोलो मामा? तो आप कहूं ललिता तो ना हो? हाँ हाँ, पर तुम्हें कैसे मालूम? मोई चंदा ने आपके बारे में सब कछु बताई दियो है, पर आप अचानक गायब कहाँ है गई? जी सब तोती की करतूत हाथी, बाने मोए ऐसी जगह बेच दिए हो जहाँ पे मैं ललिता ते चमेली बाई बन गई। ऐसी हालत में अपनो कारो मोह लेके घर वापस जानू मैंने उचित ना ही समझो। पेट भरवे की ताई मैंने स्टेशन पे काम करवाओ शुरू कर दियो, और अंत में घूमते घूमते अम्मे सिर द्वार का प्रसाद जैसे देवता की छत्र छाया में आए गई हूँ। खैर छोड़ो इन बातन ने, जे बताओ मेरी बहन चंदा कैसी है? चंदा चंदा बनवारी भैया खबर मिली है कि चंदा तूती के आदमी को उठा के ले गए। कहाँ उठा के ले गए? जमुना पतो। मुझे पतो है कहाँ लेके गए होंगे, चलो मेरे संग चलो। अरे अरे सुन तो भैया। शाबाश, मुझे तुम दोनों से जय उम्मीद थी। मैं सेठ को लेवे को जा रहा हूँ, तुम चंदा पे कड़ी नजर रखो। हैं चाओ अच्छा। जाइए वो जगह अंदर होएगी, बहुत संभर के जाइए। तुम नहीं डरो, मैं अभी आ रहा हूँ। तैयारी कर रहे हो का? मसल का धंधा सारे को छठे को दूध याद आ जाएगा। तो बहुत चर्बी चढ़ गई है, मारो सारे को। अरे
चंदा दीदी, चंदा दीदी मेरी बहन, तू कहाँ चली गई है दीदी? घबराओ मत परवारी, तेरा तवा आगर है। तू चंदा को बचाए रे, तब तक मैं इन सारे को देख लूंगा। और कहूं तू फज्जा चक्कर में घेरा बंदी में तो मेरे छंद याद बता दे गुरु। घेरा बंदी में फंसे ऊपर बाजे कमर लपेटा मार के कर दुश्मन को पट, कर दुश्मन को पट निकल जा है के आड़ो फटे खींच के मार दो लगती है जा आड़ो। हो चोगनो मल कहा कर ले वो सारो जग जाहिर धोबी पछाड़ को दाब मारो। हिस्सा पुट्ठी मार के नगर भीड़ पूछी काका को पट्ठा प्रबल बच्चू के बल भी। बनाई दियो पहिए की चल रही है।
मुगु बचा लो सेठ जी। अरे रंगे सियार, आज तेरा असली रूप उजागर है गया। न जाने तैने कितने घर कितने खानदान बर्बाद कर दिए। चमेली के जीवन में तो तैने आग लगाई दी, पर हराम जाते तैने मुंबई नहीं बख्शो। माफ कर दऊं तो को, पर एक कंस तेरे कर्मन को देख के तो भगवानों तो को माफ नहीं करेगा। कितने बरस मैं बिरहा की आग में तड़पा हूँ, अब तू जेल की काल कोठरी में तड़प जा। यही है बदमाश, आओ जल्दी आओ। यही है बदमाश, पकड़ लो, पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो जाए, ले चलो। उबा जी, मुझे जाई बात को पश्चाताप है कि मैंने तो इतना दुख दिया। मुझे माफ कर दे, का मुझे माफ नहीं करेगी। कांता, कांता। दीदी रुको, दीदी मेरी बात तो सुनो। दीदी दीदी कहां जा रही हो? दीदी नाए चंदा नाए, मुझे मत छुए। मैं ललिता ना है, चबेली बाई हूँ, और हम जैसन को तुम्हारा जे समाज स्वीकार ना ही कराए। अरे फाड़ मेरा समाज! ललिता, आज ते चमेली बाई मर गई, मैं तो ही स्वीकार करूँ। शाबाश बेटा, आज तेरे जो मारो है आदर्श को लपेटा, बासु हमारे अखाड़े को नाम तो भेवइए, सबरे देश को दे ऊपर गर्व हेटा। हमारे नौजवान ऐसी ही भावना रखें तो न तो कोई स्त्री पतित होए, न कोई बहू जर के मरेगी, और न दहेज की मुसीबत काऊ बाप के गरे पड़ेगी।